पीएचयू पाठशाला पे एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हिंदी की क्लास चलेगी, आज से हिंदी की क्लास शुरू होगी। आपको आज मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती होगी उसमें यहीं से हिंदी आएगी, इससे बाहर से कुछ नहीं पढ़ना आपको ना कुछ आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है आपका हिंदी का थोड़ा सा, उसके बाद एक कोई टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हर एग्जाम में आती है, उसका नाम है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है दो पार्टों में बटी हुई है, एक तो है व्याकरण और दूसरा है काव्य। दो पार्टों में बटी हुई है सामान्य हिंदी। 50% सिलेबस आपका यहीं से आएगा, 45% आएगा व्याकरण से और 5% आएगा काव्य। काव्य में क्या है? काव्य में है रस, छंद, अलंकार। अलंकार ये तीन चैप्टर जो है काव्य में आते हैं। काव्य का मतलब कविता, ठीक है। कविता में तीन चैप्टर का यूज होता है, रस, छंद, अलंकार। कविता को पढ़ने में जो रस मिलता है, मजा मिलता है, उसको रस कहते हैं। उसको जो है सजाने के लिए अलंकार का यूज होता है और उसमें कुछ छंद लगे होते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट आता है आपका आ जाता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से छांट करके आपको दो आंसर देने होंगे, उसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ आएगा आपको, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आता है लेखक और उनकी रचनाएं। यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेखक और उनकी रचनाएं। तो यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि बताइए, ठीक है, यामा किसकी रचना है, ऐसे सारे बहुत सारे पूछा जाएगा। बताइए तुलसीदास किसने लिखा है। तुलसीदास एक लेखक का भी नाम है, कवि का नाम है, लेकिन तुलसीदास एक किताब भी है, तो तुलसीदास किसने लिखा है, ठीक है। कुकुर मुत्ता किसकी रचना है, यही सारी रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी। चौथा पॉइंट आपसे पत्र पत्रिका पूछा जाएगा, पत्र पत्रिका। यहां से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे पत्रिका। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताइए हरिजन पत्रिका के संपादक किसने थे, ठीक ना, आपको गांधी जी आंसर देना है। तो ऐसे ही बताना होगा कि इस पत्रिका पत्र के संपादक कौन है। पांचवा पॉइंट आपको हिंदी के पुरस्कार, हिंदी के पुरस्कार। जैसे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, हिंदी के पुरस्कार तो किसको दिया गया, तो यहां से आपको हिंदी में 2018 का ज्ञानपीठ किसको दिया गया, साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो हिंदी में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसको पढ़ना है हमें। और छठवां पॉइंट लास्ट एकदम कि आपको पढ़ना होगा विविध। विविध में क्या आ जाएगा, विविध में जैसे हिंदी में प्रथम कौन क्या है, जैसे हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, हिंदी के प्रथम जो है कविता कौन है, तो आपको यही सब पढ़ना है। ये सारा इतना ही आएगा आपके हर एग्जाम में। लेकिन अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप टेट सी टेट का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है हिंदी पेडोलॉजी। तो हिंदी पेडोलॉजी भी आता है आपके टेट सी टेट में। बाकी एग्जाम के लिए आपको यही 6 पॉइंट पढ़ने हैं, अगर आप टेट का देते हैं तो आपको केवल टेट के एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन जो है यहां से आएंगे और 5 क्वेश्चन जो है आता है इस पैडोलॉजी से, पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के एग्जाम में यही 6 पॉइंट आपके आने हैं। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती होगी, जैसे आपका बीएचयू एंट्रेंस हो गया या आप कोई भी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं या पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी आ रही है उसमें यही 6 पॉइंट आपके आते हैं। इन्हीं 6 पॉइंट को आपको पढ़ना है। तो इन्हीं 6 पॉइंट में आज मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है समास। तो समास को हम लोग देखते हैं, समास होता क्या है। समास का मतलब होता है संक्षेप। जो आप बात एक लाइन में लिख रहे हो तो उसको आप संक्षेप में बता पाए, वही होता है समास। जैसे समास, तो आपसे सबसे पहले समास से पूछा जाएगा कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है, संक्षेप। अब इसको अगर बड़ा करेंगे तो कहलाएगा समास विग्रह। जैसे अगर मैं लिखूं आपके लिए, जैसे मैं लिखूं देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये हो गया देश के लिए भक्ति। ये तो बड़ा सा हो गया, ये बड़ा हो गया पूरा देश के लिए भक्ति। अगर इसको मैं संक्षेप में करना चाहूं तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं देशभक्ति, देशभक्ति। तो देशभक्ति का मतलब हो गया देश के लिए भक्ति। तो ये जो संक्षेप मैंने किया यही है समास।
ठीक है। और ये जो विस्तार से लिखा हुआ है ये कहलाता है समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह ये है और ये है समास, ठीक है। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि समास का क्या मतलब है और समास विग्रह का क्या मतलब है। समास विग्रह मतलब उस पद का हमें विस्तार करना है, वही कहलाएगा समास विग्रह। समास के साथ विग्रह ही आता है, ध्यान रखने वाली बात है। समास के साथ विच्छेद नहीं आ सकता, विच्छेद जो है संधि के साथ आता है, ठीक है। तो समास विग्रह। अब समास को हम लोग देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं, जैसे कि हम लोग सबको देखेंगे यहाँ पे। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, यही सारे समास होते हैं। तो समास के जो भेद होते हैं 6 होते हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। एक अब तक ज्यादा, ये याद करने का एकदम आसान तरीका है। ये 6 है, 6 समास है। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है बहुव्रीही समास, दूसरा है बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास। तीसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। चौथा है कर्मधारय समास, कर्म को धारण करने वाला समास। पांचवा है द्विगु समास, द्विगु समास। और छठवां है द्वंद्व समास। यही 6 समास होते हैं आपके, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीही समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इन्हीं को एक एक करके हमें पढ़ना है विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं अव्ययी भाव समास। पहला समास है जिसका नाम है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास देखते हैं हम लोग। तो पहला समास, अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे कि कोई शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सा समास है। तो पहचानने का एकदम आसान तरीका कि जिसका पहला पद, पहला पद ठीक ना, अव्यय हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, उपसर्ग हो या प्रधान। जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब शब्द का सबसे छोटा रूप जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक ना। अव्यय जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं अव्यय। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द से पहले जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं उपसर्ग, बाद में जुड़ा तो प्रत्यय कहलाता है। और पहला पद प्रधान। अब कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कुशासन, 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 इसमें जो है ये वाला पहला पद है और ये वाला दूसरा पद है, ठीक है। कुशासन का मतलब होता है बेकार शासन। अगर इसी को मैं बना दूं सुशासन, सुशासन, तो ये हो गया अच्छा शासन। आप देख रहे हैं इस पहले पद को हटा देने से इसका पूरा का पूरा अर्थ बदल गया, इसीलिए पहला पद क्या है प्रधान है। और ये शब्द के पहले जुड़ा हुआ है इसलिए क्या है उपसर्ग है। कु का आप छोटा सा टुकड़ा नहीं कर सकते या सु का भी हम छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते इसलिए ये अव्यय है। कु का अगर हम छोटा सा टुकड़ा कर देंगे तो ये क बन जाएगा और क क्या है वर्ण है। वर्ण हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है शब्द लेना है। तो शब्द का वह छोटा से छोटा टुकड़ा जिसका और टुकड़ा न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाला कहलाता है उपसर्ग और ये प्रधान है क्योंकि ये इसका अर्थ बदल देगा, ठीक है। जैसे कुशासन सुशासन, कु सु को बदलने पे अर्थ इसका पूरा पूरा बदल जा रहा है इसीलिए ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। एक और एग्जाम्पल आता है अव्ययी भाव समास में, जैसे आप देखे होंगे रातों रात, जब दो एक आते हैं रातो रात, ठीक ना। तो अगर ये योजक चिन्ह हम हटा दें, योजक चिन्ह अगर हम हटा दें, इसको अगर हम रात रात लिखते हैं रात रात, तो ये कहलाएगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर इसको हम लिखें रातो रात तो ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। जब दो शब्द जो है एक ही शब्द दो बार आए तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। रातो रात, दिनों दिन, ठीक ना, ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। तो ये है अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान हो, उपसर्ग हो, अव्यय हो, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास है बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास एक ऐसा समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे मैंने अव्ययी भाव समास में बताया कि पहला पद प्रधान होगा, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान होगा। पहली बात, ठीक ना।
पहले मैं बता रहा हूँ बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास, तो बहुव्रीही समास ये दूसरा समास है हमारा। बहुव्रीही समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक ना। इसमें जो है तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है या तीसरे आदमी का पता चलता है। और पहचानने का एकदम आसान तरीका, इसमें जो है क्या आएगा आपको, देवी देवता के उदाहरण जो है सबसे ज्यादा आएंगे, देवी देवता। बस इतना सा अगर आपको पता है कि कोई पद प्रधान नहीं है, अगर पूछा गया तो कौन सा समास है, बहुव्रीही समास, तीसरा पद, तीसरे आदमी का पता किस समास में चलता है, बहुव्रीही समास में। देवी देवताओं का उदाहरण किस समास में आता है, इसमें। जैसे आपके सामने अगर उदाहरण लिया जाए नीलकंठ, नीलकंठ, अगर मैं जैसे ही नीलकंठ लूंगा, नीला हो कंठ जिसका, तो आपके सामने तुरंत नाम आ जाएगा शंकर, शंकर भगवान, ठीक ना। दूसरा, जैसे मैं अगर नाम लू त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रिलोकी का मतलब हो गया विष्णु भगवान, ठीक ना। अष्टभुज नाम लो, दुर्गा जी आ जाएगा आपके सामने। अगर मैं नाम लू दशानन, दशानन, तो दशानन का मतलब क्या हो गया, रावण। आप देख रहे हैं ये नाम लेने से कुछ दूसरा नया शब्द आ जा रहा है, नीलकंठ, नीलकंठ। यहाँ नीलकंठ से कोई लेना देना नहीं हुआ हमारा, हमें सीधे सीधे पता चला किसका, शंकर का। दशानन जैसे मैं बोलूं आप तुरंत जान जाएंगे रावण। तो जब हमें एक शब्द बोलने पे किसी तीसरे आदमी का पता चल जाता हो तो वो कहलाता है बहुव्रीही समास, ठीक है, बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास और द्विगु समास में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुव्रीही और द्विगु में बहुत थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बहुव्रीही समास में क्या है, इसमें भी संख्या आ सकता है, संख्या आ सकता है, और लेकिन इसमें भी संख्या आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, संख्या का समूह होता है, संख्या का समूह। जैसे अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है त्रिलोकी, त्रिलोकी, तीन लोकों का मालिक त्रिलोकी विष्णु भगवान। अब इसको अगर मैं लूं तो ये इसमें बन जाएगा त्रिलोक, तीन लोक, जिसमें पहला पद संख्या वाचक हो, संख्या का समूह का पता चले, ठीक है, और दूसरा पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं द्विगु समास। इसमें जो है संख्याओं का समूह का पता चलता है, लेकिन इसमें किसी तीसरे आदमी का पता चलता है। और भी एग्जांपल है, जैसे चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह, तीराहा, तीन राहों का समूह, नौ रत्न, नौ रत्न, सप्ताह, सात दिनों का समूह। तो ये आप देख रहे हैं ना, संख्या तो आ रहा है, पहले संख्या आ रहा है, लेकिन इसमें संख्याओं का समूह का पता चल रहा है। जिसमें समूह का पता चले वो द्विगु समास है, और जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति का पता चल जाए वो है बहुव्रीही समास, ठीक ना। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना आपको, सारे एग्जाम्पल ऐसे ही आएंगे जिसमें देवी देवताओं का ही नाम होगा, आप एकदम आराम से पता कर लेंगे, ठीक ना। जैसे गजानन, ठीक ना, गज का आनन हो जिसका, गज का सिर हो जिसका, तुरंत आप जान जाएंगे किसका, गणेश जी का, तो गजानन हो गया गणेश जी, ठीक ना। तो यहां से आपको बहुव्रीही समास एकदम आसान है, बहुव्रीही भी हो गया, द्विगु भी हो गया, द्विगु में संख्यावाचक होगा लेकिन संख्याओं का समूह का पता चलेगा, ठीक ना। तो वो कहते हैं हम लोग द्विगु समास। तीन समास हो गए, चौथा समास हम लोग लेते हैं यहाँ पे द्वंद समास। द्वंद समास बहुत आसान है, द्वंद का मतलब होता है, द्वंद का मतलब होता है जिसके बीच दोनों विरोधी हो, बनता न हो, प्रतिद्वंदी, ठीक ना, उसको बोलते हैं द्वंद समास। इसमें द्वंद समास में क्या होता है, अभी मैंने बताया अव्ययीक भाव का पहला पद प्रधान होता है, द्विगु का दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीही का कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन द्वंद समास एक ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद इसका प्रधान होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, दोनों पद प्रधान होता है, बीच में योजक चिन्ह आएगा, बीच में योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है, चिन्ह भी एक आपके एग्जाम में आना है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे मैं उदाहरण लूं, देखिए आप माता पिता, ठीक ना, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, यहाँ दोनों पद जो है प्रधान हो गया और बीच में आए हैं योजक चिन्ह, इसी को कहते हैं द्वंद समास। रात दिन, रात दिन, जितना इंपॉर्टेंस रात का है उतना इंपॉर्टेंस दिन का है, ये भी पद प्रधान है, ये भी पद प्रधान है, इसीलिए कहते हैं इसको द्वंद समास। दोनों के बीच द्वंद है, दोनों विपरीत है। आप एकदम आम चाल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पानी वानी, पानी वानी, ठीक ना,
30-25 भी बोल सकते हैं, अगर संख्या में जाएं 30-25, 25-30, 30-35 तो आप बोलते हैं ना लगभग इतना, वो भी आपके द्वंद्व समास में ही आता है। तो द्वंद्व समास पहचानने का एकदम आसान तरीका है, सीधे सीधे बीच में योजक चिन्ह आएगा वो द्वंद्व समास होगा, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है ना, विलोम शब्द आते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विलोम शब्द आते हैं उन्हीं को बोलते हैं द्वंद्व समास। पहले हिसाब से द्वंद्व समास क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्म को धारण करने वाला, ठीक ना, कर्मधारय समास होता है कर्मधारय, ठीक ना, कर्मधारय होता है कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला, करने वाला। जैसे महापुरुष, इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है महापुरुष। वो पुरुष क्या है? वो पुरुष जो है महान है, उसका कर्म कैसा है? महान है, इसलिए उसे कहते हैं महापुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये कहलाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पहचानने के और भी बहुत तरीके, और भी बहुत तरीके से पूछा जाएगा कर्म को धारण करने वाला। जैसे चाय वाला, एक आदमी है जिसका कर्म है चाय बेचना, उसको चाय वाला कहेंगे, तो उसने चाय वाला का कर्म धारण किया है। पान वाला, ठीक ना, खेलने वाला, ये सारा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण आता है, विशेषण, ठीक ना, और विशेष, विशेष। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष आता है। दूसरा जो है कर्मधारय समास में उपमेय उपमान आता है, उपमेय उपमान, उपमेय और उपमान आता है। उपमेय उपमान में क्या अंतर है? ये उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे, जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए, ठीक ना, और उपमेय का मतलब होता है जिससे की जाए, जिसकी की जाए, जिसकी की जाए, जिसकी की जाए। उपमेय उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी की जाए। जैसे अगर मैं बात बोलूं मृग नयन, मृग नयन, ये नयन की तुलना हो रही है, नयन की तुलना हो रही है किसके समान? मृग के समान। तो ये यहाँ पे नयन क्या होगा? उपमेय होगा, और मृग क्या होगा? उपमान होगा। और एक एग्जांपल है, जैसे अब मैं बोलूं चंद्र मुख या चंद्र बदन, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये जो मुख है ये क्या है? उपमेय है, और ये चंद्र क्या है? उपमान है। यही तो आपसे कर्मधारय समास से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, कर्म को धारण करने वाले समास को कर्मधारय कहते हैं। विशेषण विशेष किस समास? विशेषण एक ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो, जैसे गाय काली है, तो काला शब्द यहाँ पे विशेषण है, और किसके बारे में बात हो रही है? गाय के बारे में, वो होगा यहाँ पे विशेष। विशेषण विशेष किस समास में होते हैं? कर्मधारय समास में। उपमेय उपमान का उल्लेख किस समास में होता है? कर्मधारय समास में। तुलना किस समास में होती है? तुलना होती है किस समास में? तुलना होती है कर्मधारय समास में। जैसे यहाँ पे तुलना हुई है, मुख की तुलना हो गई है चंद्रमा के समान, नयन की तुलना हो गई है मृग के नयन के समान। जहां पे तुलना हो कर्म को धारण किया जाए, ठीक ना, जैसे नील कमल, ठीक ना, तो ये जो है यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये सारे जो है क्या आएंगे इसके अंतर्गत? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। अब लास्ट में एक समास बचा हुआ है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। देखिए समास के 6 भेद होते हैं, और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास को एकदम अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला तो क्या पढ़ना है इसके बारे में? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। पहला, इसमें जो है कारक चिन्ह आते हैं, कारक चिन्ह। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कारक चिन्हों का लोप किस समास में होता है, कारक चिन्हों को किस समास में बताया गया है, तो किस समास में बताया गया है? तत्पुरुष समास में। कारक होते कितने हैं? कारक होते हैं 8, लेकिन ऊपर से एक हटाएंगे हम लोग और नीचे से एक हटाएंगे। मतलब जैसे मैं आपको लिख के यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल के साथ, कारक 8 होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, ठीक ना, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, दान कारक, आपादान, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक,
अधिकरण कारक, ठीक ना, और संबोधन, ये जो है आपके आठ कारक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कारक हैं। अब इन कारकों में एक ऊपर से हटाइए कर्ता कारक और नीचे से हटाइए संबोधन कारक, तो ये जो 6 बचे हुए हैं यही 6 कहलाते हैं तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को चिन्हाएगा, ठीक ना, करण से या द्वारा चिन्हाएगा, द्वारा। संप्रदान के लिए, के लिए। आपादान ये भी से आएगा, ये भी से है, ये भी से है, लेकिन ये वाला से जो है अलगाव का से है, ठीक ना, अलगाव का अर्थ देगा। संबंध काकी के, नानी ने, मेरा, काकी के, ये सब आ जाएंगे, संबंध बताएंगे। जैसे ये किसकी पेन है, मेरी पेन है, रा आ गया तो मेरा ये क्या है, संबंध है, मेरा इस पेन से क्या संबंध है, ये घर मेरा है, ठीक ना, ये कार मेरी है, तो संबंध हो जाएगा। अधिकरण में या पर, ठीक ना, जैसे पानी में, आकाश में, ये सब क्या कहलाएगा, जैसे आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, तो आकाश में बात किया जाए तो कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। आप घोड़े पर बैठे हैं, ठीक ना, तो पर आ गया, क्या कहलाएगा, अधिकरण। मैं एक एक को बढ़िया से आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, को, जिसमें को चिन्ह आ जाए, ठीक ना। जैसे आप देखिए चालक, गाड़ी को चलाने वाला। अब बात कर लीजिए चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं ये आपको लिख देता हूं यहाँ पे, चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसका मतलब है चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। आप देख रहे हैं यहाँ पे को आ गया, तो को आ गया मतलब इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक, और कर्म कारक है तो इसलिए इसको कहेंगे चिड़ी मार में कर्म तत्पुरुष है, ठीक ना, कर्म तत्पुरुष है। आप देखिए ये कारण, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, आप चाकू से सब्जी काट रहे हैं, ठीक ना, आप किताब से पढ़ रहे हैं, तो ये जो से आता है या द्वारा, ठीक ना, राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर में जो कारक आ रहा है तीर से, वो कौन सा कारक है, करण कारक है। अगर कारक है तो करण तत्पुरुष कहलाएगा, ठीक ना। तो यही सारी बातें हैं। जैसे आप, मैं और भी एग्जाम्पल, रस भरी, रस भरी, इसका मतलब हो गया रस से भरी, जल भरी, जल से भरी, तो ये बीच में से आ रहा है, ये जो बीच में से आ रहा है रस से भरी, रस से भरी, यही ये से बताता है कि ये क्या है, करण तत्पुरुष है। अब ये वाला से देखते हैं, ये वाला से क्या है, ये वाला से, जैसे आप देखिए रोग मुक्त, अगर मैं एग्जांपल लूं रोग मुक्त, अगर पूछा जाए बताइए रोग मुक्त में कौन सा कारक है, कौन था इसमें जो है आपका समास है, तो उसको, इसको क्या लिखेंगे, रोग से मुक्त। आदमी जो है रोग से क्या है, मुक्त है, रोग से अलग है, रोग दूर है, आदमी यहाँ है। यहाँ सीधा सीधा अगर आपको वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष ऊपर ही रह गए, पत्ते नीचे आ गए, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, तो ये और से आपादान है और से अलगाव है। आदमी पेड़ छत से कूद गया, जब आदमी छत से कूद गया तो क्या हो गया, अलग हो गया। लड़का छत से गिर गया, ये जो है अलगाव वाला से है, उसको बोलते हैं आपादान तत्पुरुष, ठीक ना। संप्रदान के लिए देखते हैं, इसमें के लिए चिन्ह आएगा तो क्या कहलाएगा, संप्रदान के लिए। जैसे आप देखिए, एक अगर मैं उदाहरण लूं, देशभक्ति, देशभक्ति, गौशाला, देशभक्ति का मतलब हो गया देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, इसको कहेंगे देशभक्ति। देखिए ये के लिए आ गया, वैसे ही गौशाला, गो के लिए साला, तो जिसमें के लिए चिन्ह आएगा वो संप्रदान तत्पुरुष कहलाए। अब बचा हुआ है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में आता है का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, ठीक ना, ये संबंध बताया जाएगा कि हमारा उनका क्या संबंध है, ठीक ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं राजपुत्र, राजपुत्र, इसको अगर मैं तोड़ू तो बनेगा राजा का पुत्र, तो ये इसमें का आ गया, यही कहलाएगा क्या आपको, संबंध। लास्ट में है अधिकरण, इसका चिन्ह होता है में या पर, तो आप देखिए जैसे आकाश में, या मैं अभी लो एक एग्जांपल अश्वारोही, अश्वारोही, अश्वारोही का मतलब होता है अश्व पर सवार,
अश्व पर सवार, घोड़े पर सवार। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, देखिए पर आ गया वो क्या है अधिकरण, ठीक ना। पानी में कूद गया, ठीक ना, पानी में गया, या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो ये में आ गया, तो ये कहलाता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो यही जो है आपके समास थे। समास होते हैं छह प्रकार के, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय उपसर्ग और प्रधान हो, दूसरा बहुव्रीहि समास जिसका तीसरा पद प्रधान हो, तीसरे आदमी का पता चले, सारे उदाहरण देवी देवताओं के आएंगे, चौथा है, तीसरा है जो तत्पुरुष समास, जो भी हमने बताया आपको तत्पुरुष समास के छह उपभेद होते हैं और ये सारे भेद कारक से आते हैं, इसीलिए इसको कारक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। चौथा है कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला समास, जो कर्म को धारण, जो जो काम कर रहा हो, जैसा उसका कर्म हो उसी को बोलते हैं कर्मधारय समास। तुलना इस समास में की जाती है। द्विगु समास क्या होता है, संख्या वाला समास, इस समास का पहला पद संख्या होता है और इसमें संख्याओं का समूह का पता चलता है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास एक ऐसा समास जिसमें दो विरोधी शब्द आए, दो विलोम शब्द आए और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, दोनों पद प्रधान हो, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा आपको, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो भी बताएं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या आपको अच्छा लगा नहीं लगा, इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।